T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद में टीम इंडिया अब अपनी पहली T20 सीरीज खेलने वाली है। लेकिन इस T20 सीरीज में खास बात यह है कि इसमें पुराने कोई भी खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया है। पुराने खिलाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो पुराने खिलाड़ियों में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा पहले T20 से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जिन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप खेला है उनको भी इस टीम में मौका नहीं मिला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए शुभम गिल को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। शुभम गिल के बारे में बात करें तो शुभम गिल को T20 वर्ल्ड कप में बतौर एक्स्ट्रा प्लेयर टीम के साथ लेकर गए थे, लेकिन शुभम गिल को T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिल सका। तो अब शुभम गिल को T20 की कप्तानी दी गई है, जिससे कि शुभम गिल को कप्तानी के लिए परखा जा सके। शुभम गिल के बारे में बात करें तो शुभम गिल पहले भी T20 में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वह कप्तानी भारतीय टीम के लिए नहीं बल्कि IPL में गुजरात टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं। IPL 2024 में हार्दिक पांड्या के मुंबई से जुड़ने के बाद में गुजरात नया कप्तान शुभम गिल को बनाया गया था, और शुभम गिल ने 2024 के IPL में गुजरात के लिए 14 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से सिर्फ 5 मैच ही गुजरात जीता पाए। तो शुभम गिल को अब तक 14 T20 में कप्तानी करने का अनुभव है, लेकिन ये 14 T20 उन्होंने IPL में किए। जिम्बाब्वे के लिए घोषित की गई टीम की बात करें तो इस टीम में सभी नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इस टीम में कप्तानी के लिए शुभम गिल को रखा गया है। इसके साथ ही विकेटकीपर में दुर्वे जोरियाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियान प्राग, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, आवेश खान, मुकेश कुमार, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा, तुषार देशपांडे, इसी के साथ ऋषि राणा को रखा गया है। तो ये 15 वो खिलाड़ी हैं जिनको T20 में नई टीम इंडिया के लिए चुना गया है। तो अब देखना होगा कि शुभम गिल T20 में टीम इंडिया के लिए किस तरह से कप्तानी करते हैं। तो सभी को उम्मीद है कि शुभम गिल T20 कप्तानी बखूबी से निभा सकें, और यदि शुभम गिल T20 कप्तान नहीं निभा पाते हैं तो आपकी राय में T20 का नया कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए। T20 के नए कप्तान के लिए हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, इसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी इस लिस्ट में बने हुए हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और उस लड़के का नाम जरूर लिखें जिसको T20 का कप्तान बनाया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।